नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। काराकाट में लोकसभा चुनाव की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनके प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं। लेकिन भाजपा का आसनसोल का टिकट ठुकराकर काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार बने पवन सिंह ने चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया है। महागठबंधन ने इस सीट पर राजा राम सिंह को उतारा है। दो कुशवाहा उम्मीदवारों के बीच पवन सिंह राजपूत उम्मीदवार हैं। साथ ही भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने इस मुकाबले को ग्लैमर और खादी के बीच मुकाबला बना दिया है। पवन सिंह अपनी पॉपुलैरिटी तो है ही, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला कल्लू समेत भोजपुरी सितारों की बड़ी फौज ने काराकाट में अलग माहौल बना दिया है। युवाओं में पवन सिंह का क्रेज दिख रहा है, महिलाओं के बीच भी उनका प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन पवन सिंह की मुश्किल ये है कि उनके पास संगठन नहीं है। दूसरी ओर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल ये है कि पवन सिंह के आने से राजपूत मतदाता एनडीए की तरफ से अलग हो सकते हैं। दूसरी ओर राजा राम सिंह को महागठबंधन का कैडर वोट मिलेगा ही, एनडीए के वोटों में बिखराव हुआ तो राजा राम सिंह की राह आसान हो सकती है। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।